नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक के वार्षिक बोर्ड परीक्षा के दौरान 19 फरवरी को पहली पाली में हुए सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर लीक हो जाने की वजह से रद्द हुए सामाजिक विज्ञान विषय की पहली पाली की परीक्षा सोमवार को बाराहाट प्रखंड क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। पंचवारा थाना क्षेत्र के गांधी उच्च विद्यालय सबलपुर केंद्र पर हुई परीक्षा में जिले के 4 उच्च विद्यालय के कुल 377 परीक्षार्थी में से 374 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा से कुल 3 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा एक पाली में सम्पन्न हुई। परीक्षा को लेकर केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। जिले के सभी प्राथमिक, मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकन अभियान के लिए शिक्षा विभाग बिहार द्वारा शुरू किए गए प्रवेशोत्सव अभियान की शुरुआत सोमवार से हो गई। इसको लेकर सुबह बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय पंजवारा, प्रोन्नत कन्या मध्य विद्यालय पंजवारा, प्रोन्नत मध्य विद्यालय दुबराजपुर सहित विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने हाथों में जागरूकता अभियान से जुड़े बैनर और तख्ती लेकर हर बच्चों का नारा शिक्षा का अधिकार हमारा है, अपनी बेटी का मान बढ़ाना है, हर हाल में उसे शिक्षा दिलाना है सहित कई अन्य नारों के साथ गांव मोहल्ले का भ्रमण किया। मौके पर राजकीय मध्य विद्यालय पंजवारा के प्रधानाध्यापक राजकिशोर कुमार, प्रोन्नत कन्या मध्य विद्यालय पंजवारा के प्रधानाध्यापक चंद्राधर झा, शिक्षक रामकृष्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, जनार्दन यादव, शांति कुमार सहित कई अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। अभियान को लेकर राजकीय मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजकिशोर कुमार ने बताया, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष हो चुकी है और ऐसे भी बच्चे जिनकी उम्र 6 से 18 वर्ष के बीच होने के बावजूद किसी कारणवश विद्यालय के औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उन सभी का उम्र के आधार पर कक्षाओं में नामांकन सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें विद्यालयों में बच्चों को सरकार द्वारा दिए जाने वाली हर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने आम लोगों से भी अपने आस पड़ोस और मोहल्ले के बच्चों को जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं, नामांकन निकट के विद्यालय में कराने का अनुरोध किया गया है। बांका जिले के बेलहर प्रखंड परिसर में राजद युवा कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के साथ बढ़ते अत्याचार, भ्रष्टाचारी के खिलाफ शिक्षा अभियार्थियों की नियुक्ति जैसे जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को लेकर विरोध किया गया। इसमें उपस्थित युवा अध्यक्ष राजद संतोष कुमार, अध्यक्ष राजद मनोज यादव, जिला युवा अध्यक्ष विशाल यादव, जिला उपाध्यक्ष युवा हीरा बाबू, दयानंद यादव, अर्जुन पाल, कविंदर पंडित आदि उपस्थित थे। बेलहर प्रखंड के जीविका परियोजना कार्यालय के विकास जीविका महिला संकुल स्तरीय संकेत दुर्गा ठाकुर बाड़ी में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीपीएम पारसनाथ की अध्यक्षता में की गई, जिसमें संघ के अध्यक्ष वीना देवी, सचिव अनीता देवी, मास्टर बुक कीपर आशा यादव, MRP सदानंद पंडित, राजेंद्र प्रसाद मोदी, सुमन रजक, एसी इंचार्ज विकास कुमार सभी ने मिलकर महिला दिवस को धूमधाम से मनाया। इसके साथ जीविका के बारे में भी विस्तार पूर्वक BPM के द्वारा किया गया। विकास कुमार के द्वारा सभी दीदियों को महिला दिवस के उपलक्ष में महिलाओं के संरक्षक में होने वाले कार्यों को बताया गया, साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी जोर दिया गया। आज महिलाओं का सम्मान समाज में बढ़ चढ़कर है। आज महिलाएं रोड पर निकलने लगी है, बच्चे बच्चियां स्कूल जाने लगी हैं, इत्यादि हर एक प्रकार की महिला संरक्षण के बारे में बताया गया और सभी दीदी ने इस विश्व महिला दिवस पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर महिला दिवस को मनाया। जीविका के द्वारा चलाए जा रहे सतत जीविकोपार्जन योजना में चयनित बेबी देवी को साड़ी देकर सम्मानित किया गया। गरीब दीदी समाज में अच्छी तरह से कार्य करके वह आगे बढ़ रही है, साथ ही साथ सैकड़ों महिलाओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस महिला दिवस पर BPM पारसनाथ ने सभी महिलाओं को आश्वासन दिया कि जीविका में जुड़ने पर जीविका के विभिन्न लाभों को गरीब दीदी के साथ जोड़ देगी। एक गरीब महिलाएं किस प्रकार समाज को सुसज्जित करके आगे बढ़ रही है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इसमें उपस्थित लगभग 500 महिलाएं विश्व महिला दिवस पर भाग ली और एक दूसरे को आगे बढ़ने का ट्रिक भी बताया गया। जीविका के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं से लाभान्वित होकर विभिन्न महिलाएं आज गरीब से आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ सभी दीदियों को दहेज प्रथा, बाल विवाह, कृमि नाशक, जन्म मृत्यु पंजीकरण, पोषण वाटिका, स्वास्थ्य आदि के बारे में भी बताया गया।
अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सबसे आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।